हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम 100% जेन्युइन, सिर्फ आप लोगों को मस्का मार के व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। बातें मेरी सच्ची होंगी, थोड़ी सी कड़वी होंगी, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आएंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत सारे युवा जो है इसके ऊपर जो है तरह तरह की मेडिसिन और कुछ ना कुछ अनसेल्ड चीज़ें खाते रहते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। आज हम बात करेंगे किस तरह से टेस्टोस्टेरोन जो है आप अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, किन चीज़ों की वजह से खराब होता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हॉर्मोन है जो कि आपकी पोटेंसी मतलब आपकी मर्दानगी उसको जो है अच्छा रखता है, साथ ही आपके मसल्स जो है उनको अच्छे से रखता है। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छा है तो आप अच्छी मस्कुलर बॉडी बना सकते हैं बहुत इजीली और लोगों के मुकाबले जिनका लेवल लो है। सो बात करते हैं किस तरह से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है जिसमें आपने वर्कआउट करना ही करना है, चाहे आप आधा घंटा करें, 45 मिनट करें या एक घंटा करें, वर्कआउट बहुत जरूरी है। उसको करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगे और उसके साथ में एक अच्छी डाइट भी आपको लेनी जरूरी है। ये नहीं कि आप वर्कआउट तो कर रहे हो लेकिन डाइट पे कोई ध्यान नहीं है। डाइट का बहुत अहम रोल है इसके अंदर। अगर आप नॉनवेज लेते हो जिसमें कि एग्स आप खा सकते हो, अगर आप चिकन खाते हो या मटन खाते हो तो इससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे रहेंगे। और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ड्राई फ्रूट्स और मिल्क हो गया या हरी पत्तेदार सब्जियाँ होंगी या खजूर हो गए, इस तरह के जो पोटेंसी वाले फूड हैं वो ज़रूर लें आप। डार्क चॉकलेट भी बहुत अच्छी चीज़ होती है इसके लिए अगर आप अच्छा टेस्टोस्टेरोन मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते जो मैंने बताई है, क्योंकि हर आदमी की जेब अलाउ नहीं करती है, तो भी आप अच्छा टेस्टोस्टेरोन मेंटेन कर सकते हैं कुछ चीज़ों से बचकर, उन चीज़ों को अवॉइड करके। अब वो बता देता हूँ। स्ट्रेस, सबसे पहले आपने टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई की हो, लव अफेयर की हो, जॉब की हो, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। अगर आप टेंशन लोगे तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली डाउन रहेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा और जो आप करना चाहते हैं उस पर फोकस नहीं रहेगा। सो इसलिए आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत डाउन रहेंगे। दूसरी चीज आती है, अगर आप अल्कोहल लेते हो, आप दारू पीते हो रेगुलर बेसिस पे, जवानी में अक्सर बच्चे सोचते हैं हमें तो कुछ होता ही नहीं है 18-20 साल की 25 साल की उम्र में, क्योंकि इस टाइम पे हाई होता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। और जैसे ही आपकी एज 25 के बाद या 30 के बाद में आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आप अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में चेंज पाएंगे, आप इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने मॉर्निंग में सेक्स किया है तो आप शाम को सेक्स नहीं कर पाओगे अगर आपका रेगुलर अल्कोहल इंटेक चल रहा है। तो मैं आपको गारंटेड बताता हूँ, मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैंने देखा है, उनकी जो एज है उसके हिसाब से वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। और कुछ तो उनमें से ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं कि हमारी तो भाई ख़त्म ही हो गया सिस्टम, क्योंकि वो रेगुलर ड्रिंक करते हैं, डेली बेसिस पे ड्रिंक करते हैं, उनका इरेक्शन ही नहीं हो पाता। सो जो ईडी बोलते हैं ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक जो टॉपिक है आजकल युवाओं में, उसका ये भी कारण है। सो आप अल्कोहल को बिल्कुल हाथ न लगाएं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे अल्कोहल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा। कोई सोचता होगा महीने में एक बार, अगर आप 90 डेज तक अल्कोहल का इंटेक नहीं करते हैं तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन देखना कितना हाई चला जाएगा, बहुत हाई रहेगा। और जिन लोगों को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, बेड में परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है, वैसा उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। ये आप करके देखना, क्योंकि एक दो मेरे ऐसे जानने वाले हैं जिनको मैंने इस हैबिट से दूर किया और अब उन्होंने खुद ही बताना स्टार्ट कर दिया कि 3-4 महीने हो गए हमें अल्कोहल इंटेक करे और अब हम सही हो रहे हैं। सो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, अल्कोहल अवॉइड करिए। इसके साथ में आती है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं उससे भी आपके जो वेन्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन रहेगा। और टेस्टोस्टेरोन डाउन रहेगा तो आप ना मसल्स बना पाएंगे और ना ही आप अच्छे से बेड में परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आप जिम जाते हैं और ये सोचते हैं कि महीने में एक या दो बार शराब पीने से या एक सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, तो ज़रूर होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही जो है आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है। इन सब चीज़ों से दूर रहिए, एक अच्छी नींद लीजिए, जिम जाइए, अच्छी डाइट लीजिए, आप, मैं ये कहता हूँ, 55-60 साल की उम्र तक भी बढ़िया टेस्टोस्टेरोन मेंटेन कर सकते हैं, ये गारंटेड है। ऐसे लोग जो मुझे जानते हैं
जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप है वो मुझे चीजें शेयर करते हैं, वही चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता हूँ ओपनली बात करता हूँ, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप लोगों के भी अगर इस चीज से लेकर कोई इश्यूज हैं, चाहे आपके टेस्टोस्टेरोन के हों या आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के हों, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालिएगा, मैं जरूर शेयर करूंगा। एक भाई ने टेस्टोस्टेरोन के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आगे भी आपके क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।